पचासेर दशक थेके बगुड़ाय व्यक्ति उद्योगे गड़े उठते शुरू करे छोटो माझारी और भारी कलकारखाना। तखन थेके उत्तरांचले व्यवसार प्राणकेंद्र हये उठे एई शहरटी। किन्तु श्रमिक असंतोष, पुंजी संकट सह नाना कारणे 90-एर दशके एसब कारखानार बेशिरभागई बंध हये जाय। तबे आबारो शिल्पनगरीर ऐतिह्य फिरे पेते शुरू करेছে बगुड़ा। ए धारा अब्याहत राखते जोगाजोग व्यवस्थार उन्नयन चान व्यवसायीरा। 1955 साले बगुड़ाय प्रथम भारी शिल्प कारखाना प्रतिष्ठार काज शुरू करे जामिल ग्रुप अफ इंडस्ट्रीज। एकई समय भांडारी ग्रुप कटन स्पिनिंग मिल सह अनेक शिल्प कारखाना निर्माण करे। से समय प्रतिष्ठित एसब शिल्प कारखानार बेशिरभागई बंध हये गेছে 90 दशकेर माझामाझी। स्वाधीन होवार परे कोनो अर्थलग्नी प्रतिष्ठानই शिल्प कारखानाय ऋण दिते सम्मत हन नाई बा दिते पारेन नाई। एई मतवस्थाय 80 दशकेर शेषे एबं 90 दशकेर प्रथम दिके समस्त बगुड़ार भारी शिल्प कारखाना बंध हो जाए। स्वाधीनता परवर्ती समय प्राय 3 दशके बगुड़ाय बेसरकारी उद्योगे नतून करे गड़े उठे बेश किछु शिल्प प्रतिष्ठान। जूट मिल, पेपर मिल, टाइल्स सह विभिन्न शिल्प कारखानाय बिनियोग करें तरुण उद्योक्तारा। शिल्पायनेर सुयोग हय सैनिटारि ओयार, ग्लास और अटो राइस मिलेर मतो भारी कारखाना विकाशेर। एखाने यदि बगुड़ाते एकटा भालो इकोनमिक जोन करे देওয়া হয় তাহলে আরো ভালো হবে। অল্প টাকায় আমরা সেখানে জমি পাবো, সেই জমিতে আমরা ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবো, সেখানে অনেক কর্মসংস্থান হবে। উত্তরাঞ্চলে প্রথম গ্লাস ও টাইলস কারখানার মতো নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আজাদ গ্রুপ। এই ধরনের কারখানা প্রতিষ্ঠায় এই অঞ্চলে বাড়তি সুযোগের কথা বলছেন শিল্পপতিরা। শিল্প বিকাশের প্রথম কারণ হচ্ছে শ্রমিক, এখানে অ্যাভেলেবল শ্রমিক সস্তা এবং অ্যাভেলেবল। আরেকটা কারণ হচ্ছে ভৌগোলিক কারণে বগুড়ায় এমন একটা অবস্থান আছে যে চারিদিক থেকে শ্রমিকের যোগানটা অনেক বেশি। আরেকটা হচ্ছে আপনার ল্যান্ড এখানে এখনো অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। আরও শিল্পের বিকাশে সড়ক ও রেলপথ উন্নয়নের পাশাপাশি বগুড়া বিমানবন্দরটি চালুর দাবি ব্যবসায়ীদের। হাসিবুর রহমান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ, বগুড়া।